नमस्कार, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। जो भी हमारे व्यूअर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, कंसाइनमेंट नोट जनरेट करते हैं, बिल्टी काटते हैं कहने का मतलब, और ई वे बिल जनरेट करते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। आप ध्यान से सुनिएगा, दो बड़ी बातें इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत जल्द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय हमारे देश का, वो एक नए फैसले के ऊपर, नए ऑर्डर के ऊपर विचार चर्चा हो रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द ये ऑर्डर आ जाए। ये ऑर्डर ये है कि जो भी जो व्यापारी है, अगर वो दो बार से ज़्यादा अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसके बाद वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। जी, आपने सही सुना। असल में माजरा ये है कि जब से जीएसटी लागू हुआ हमारे देश में, जितनी सरकार को, वित्त मंत्रालय को उम्मीद थी कि जीएसटी से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, टैक्स आएगा, उतना नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में डेटा आया है, जो नवंबर में रिटर्न्स फाइल हुई हैं जीएसटी की, तो उससे ये पता चला है कि लगभग 99 लाख जो रिटर्न फाइल होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से ई वे बिल जनरेट हुए थे, उस हिसाब से 99 लाख जीएसटी रिटर्न नवंबर में फाइल होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, लगभग 70 लाख। तो लगभग 28 या 29 लाख फाइल, रिटर्न जो है वो फाइल ही नहीं हुई है। कहने का मतलब हो ये रहा है कि लोग जो व्यापारी हैं वो ई वे बिल तो जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना माल नहीं ले जाया जा सकता जो 50,000 से ऊपर वाला है, लेकिन उसकी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स तो तभी जाएगा सरकार को, ई वे बिल से तो कोई टैक्स नहीं जाएगा, तो सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए। तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अब सख्ती करने जा रही है। हो सकता है बहुत जल्द ऐसा हो जाए कि जिसकी दो रिटर्न पिछली नहीं गई हैं, वो उस पर ई वे बिल जनरेट करना ही बंद हो जाए, वो नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ कंसाइनर या कंसाइनी के लिए नहीं, दोनों के लिए। कहने का मतलब, अगर किसी का ये जो ई वे बिल ब्लॉक हो गया, तो उसके बाद ना तो वो माल मंगवा सकता है और ना वो माल भेज सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी चेंज होगी पूरे जो प्रावधान है जीएसटी और ई वे बिल का। इसका जो व्यापारी हैं और जो ट्रांसपोर्टर हैं, दोनों इसका ध्यान रखें। तो आने वाले दिनों में ये जो है नया ऑर्डर पास हो सकता है, इसकी चर्चा चल रही है। जैसे ही होगा, अगर ये होता है, तो सबसे पहले हम आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर बताएंगे निश्चित तौर पर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखें। और जो दूसरी बात हम आपको आज बताना चाहते हैं, वो ये है कि पिछली 10 जनवरी को 32वीं जीएसटी काउंसिल की 32वीं मीटिंग हुई थी, जिस पर हमने आपको रिपोर्ट दी थी। उसमें काफ़ी डिटेल में हम आपको बताया था, वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। उसमें एक नई चेंज है। हमने उसमें आपको बताया था कि अभी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है 20 से 40 लाख। ये लिमिट वो थी कि अगर आपको GTA हैं आप, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं आप, बिल्टी आप जारी करते हैं, लेकिन जो आपका सालाना रेवेन्यू है वो 20 लाख है जो लिमिट है फिलहाल, तो आपको रजिस्टर नहीं करना होता है जीएसटी के लिए। जीएसटी ना तो आपको रजिस्टर करना है ना पे करना है, अगर आपका साल का रेवेन्यू जो 20 लाख है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये आया था, क्योंकि उस दिन सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वो लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है, कि 40 लाख के नीचे वालों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी रिपोर्ट में हमने आपको बता दिया कि अभी ऐलान हुआ है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। नोटिफिकेशन अभी भी नहीं आई है, लेकिन उसी दिन सरकार ने दूसरे दिन एक नोट जारी किया। उस नोट में ये बोला कि जो वो लिमिट बढ़ाई है 20 से 40 लाख, वो GTA पर लागू नहीं होती है, वो किसी भी जो सर्विसेज दे रहे हैं हम उन पर लागू नहीं होती है, सिर्फ जो माल बेचते हैं लोग, जैसे आपका किराने का किसी का काम है उस तरह से, उन पर लागू होती है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, जिसमें GTA आ जाते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आ जाती है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उनके लिए लिमिट अभी भी 20 लाख ही है। तो अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है सालाना, तो आपको GST में रजिस्टर भी होना होगा और GST पे भी करना होगा। तो GST को लेकर ये आज दो बड़ी खबरें हम आपको इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। जो भी नया अपडेट आएगा GST को लेकर, ई वे बिल को लेकर, तो हम आपको लगातार ट्रांसपोर्ट टीवी पर देते रहेंगे। तब तक देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं हमारे, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।